हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है वन प्लस नॉट सी फोर के बाद वन प्लस नॉट फोर 5G इंडिया मार्केट में लॉन्च होने जा रही है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम वन प्लस नॉट सी फोर वर्सेज वन प्लस नॉट फोर की बातें करेंगे, ताकि आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाए कि हमें वन प्लस नॉट सी फोर ना लेकर के क्या हमें वन प्लस नॉट फोर की वेट करनी चाहिए। बेसिकली वन प्लस नॉट फोर इंडिया मार्केट में लॉन्च के वक्त इसकी स्टार्टिंग कीमत कितनी रह जाती है, आपको इन दोनों स्मार्टफोन के फीचर्स के बीच कितना डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, बेसिकली आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से किससे लेना चाहिए, आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम OnePlus Nord CE 4 की बातें कर लेते हैं, इसके कंप्लीट फीचर्स इवन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इसके बाद हम OnePlus Nord 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग को कंपेयर करके मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से किसे लेना चाहिए, इवन आप लोगों के लिए कौन सा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बन सकता है। तो चलिए OnePlus Nord CE 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट चीज़ देखो तो यहाँ क्लियर हो जाता है कि वन प्लस नॉट सी ई फोर में कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 7 Zen 3 का चिपसेट देखने को मिल रहा है। हाँ, ये लेटेस्ट जनरेशन का है, पर जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, वीवो V13 में भी हमें सेम प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। हाँ, ये लेटेस्ट जनरेशन का है, लेकिन अगर इसे पिछली ईयर से कंपेयर किया जाए तो स्लाइटली इनके परफॉर्मेंस में काफ़ी अपग्रेड देखने को मिल रही है। सिर्फ यहाँ परफॉर्मेंस में ही नहीं बल्कि इनके और भी फीचर्स में काफ़ी सारे अपग्रेड किए गए हैं और UFS 3.1 देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक इसको लेकर अब प्राइसिंग की कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ ऑक्सीजन OS 14 के सपोर्ट के साथ आने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको 8GB रैम वेरिएंट का सपोर्ट देखने को मिलेगा 256GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ में, जो आई थिंक यहाँ पे आपको मुझे जो लगता है आपको 8/128GB देखने को मिलेगा, 8/256GB देखने को मिलेगा और 12/256GB देखने को मिलेगा। ये मुझे लग रहा है ये तीन वेरिएंट्स आपको फोन के अंदर देखने को मिल सकता है। तो डिस्प्ले 6.7 इंचेस के साथ आने वाली है, 120Hz रिफ्रेश के साथ फुल एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट दिया जाएगा। डिस्प्ले के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। वैसे डिस्प्ले फ्लैट होने वाली है, जिससे लेकर अब काफ़ी सारे चीज़ें सिमिलर हो जाती है, क्योंकि जब अगली बार OnePlus Nord CE 3 आया था तो शुरुआती दौर में हमें नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिला था, लेकिन अपग्रेड के तौर पर बाद में चल के हमें नेटफ्लिक्स के अंदर भी HDR का सपोर्ट देखने को मिल गया था। तो हो सकता है कि OnePlus Nord CE 4 में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल जाए। बाकी डुअल स्टीरियो स्पीकर और NFC का सपोर्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों का ये भी डाउट था कि क्या Nord CE 4 में हमें अलर्ट स्लाइडर देखने को मिलेगा, तो आई थिंक सो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि OnePlus हमेशा अलर्ट स्लाइडर अपने प्रीमियम सेगमेंट में ही लेते आया है। अगर Nord CE में आने लगा तो मान को बैठो वो गैप जो था ना मेंटेन करता था OnePlus प्रीमियम सेगमेंट वाला, वो बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि Nord CE 4 एक मिड सेगमेंट का है और जो अलर्ट स्लाइडर आता था वो प्रीमियम सेगमेंट में आता था, यानी कि OnePlus 9, OnePlus 10R, ये सारे चीज़ों में आता था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड मैं किस गैप की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा इसके लुक्स बाहर निकल के आ चुकी है, जो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, बिल्कुल प्रीमियम मार्बल सेगमेंट वाला देखने को मिल रहा है। ब्लू ब्लैक कलर में आने वाला है ये फोन और डिज़ाइन बिल्कुल ही अलग हो चुका है। इसके कॉन्सेप्ट लेवल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चली गई है, पूरा डिज़ाइन का मॉड्यूल चेंज हो चुका है। बाकी ओवरऑल हैंड फीलिंग कैसा होने वाला है ये फोन आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे स्मार्टफोन की डिज़ाइन कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी एंड डेफिनेटली यहाँ पे हमें बैटरी एंड चार्जर में बहुत बड़ा अपग्रेड देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमें 5000mAh की बैटरी का सपोर्ट देखने को मिला था, बट इस बार हमें OnePlus Nord CE 4 में 5500mAh की बैटरी का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले बार हमें 80W का चार्जर देखने को मिला था, लेकिन इस बार हमें 100W का चार्जर देखने को मिल रहा है, जो मुझे काफी हद तक सिमिलर OnePlus 12R की तरह मिलता जुलता लग रहा है, क्योंकि OnePlus 12R भी प्रॉमिस करता था कि आपके फोन के बैटरी को कंप्लीटली 30 मिनट्स के अंदर चार्ज करके दे देगा। वैसा सेम फीचर्स अब हमें OnePlus Nord CE 4 में भी देखने को मिल रहा है। तो मान के बैठो OnePlus Nord 4 में हमें इससे भी कितना बड़ा अपग्रेड देखने को मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पे फॉर श्योर बैटरी के साथ तो चार्जर अपग्रेड हो ही रहा है, लेकिन कैमरा में आप कुछ भी कह सकते हो, डाउनग्रेड या फिर अपग्रेड, क्योंकि पिछले बार हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिला था, बट इस बार हमें सिर्फ डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। जी हाँ, OnePlus Nord CE 4 में सिर्फ डुअल कैमरा देखने को मिल रहा है। इससे बहुत पहले एक लीक छिड़ा हुआ था कि इसके अंदर हमें 50MP की सोनी IMX690 वाला सेंसर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी के लेटेस्ट लीक्स के अनुसार इस स्मार्टफोन के अंदर हमें 50MP की सोनी LYT600 सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो एक न्यू मॉड्यूल सेंसर है। वैसे इसके अंदर आपको 8MP की अल्ट्रा वाइड भी देखने को मिलेगी, जो सोनी का ही सेंसर रहेगा, और इसके अलावा आपको 16MP की फ्रंट हाउसिंग सेल्फी कैमरा का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए अभी से ही OnePlus की कैमरा को प्रिडिक्ट करना कि वो कैसा फोटोज निकाल के देगा वो तो इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि सोनी का यहाँ पे न्यू सेंसर देखने को मिल रहा है, इवन अल्ट्रा वाइड भी सोनी के कैमरा से ही बना गया है, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि फोटोज काफी स्टेबल और मैक्सिमाइज क्वालिटी में आने वाली है। चलिए फटाफट से OnePlus Nord 4 की बात कर लेते हैं।
सबसे पहले बिल्ड डिजाइन एंड लुक्स की बात करें तो ये फोन एक बॉक्सी से कंटेंट में आने वाला है। वैसे OnePlus Nord CE 4 अपने साथ बैक में डुअल कैमरा सेटअप को कैरी करता था एक LED फ्लैश के साथ, लेकिन अभी OnePlus Nord 4 क्या कैरी करेगा, मींस कौन से पिक्सल्स या इवन कैमरास को कैरी करेगा, ये कहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये कहना पॉसिबल है कि OnePlus Nord 4 में आपको अलर्ट स्लेडर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उसके साथ साथ नीचे में OnePlus की ब्रांडिंग दी गई है। इसके अलावा अगर इस फोन की डिस्प्ले की बात की जाए तो अगेन 6.74 इंचेस की फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 5 के रेजोल्यूशन का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। सेंटर पंचोल हाउसिंग के साथ ये फोन फ्लैट एजेस को कैरी करता है। रैम एंड स्टोरेज टाइप की बात करें तो यहाँ पे 3 रैम टाइप देखने को मिलेगा। जो पहला है वो 12 to 56 GB है, जो दूसरा है वो 12 to 512 GB रहेगा, और जिसका अपर वेरियंट रहेगा वो 16 to 512 GB रहने वाला है। यहाँ पे आपको डुअल सिम कार्ड का स्लॉट देखने को मिलेगा, लेकिन SD कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा UFS 4.0 स्टोरेज टाइप के साथ LPDDR5X रैम टाइप का सपोर्ट देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, जो स्मार्टफोन का की हाइलाइटिंग फीचर्स है, स्मार्टफोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो ऑलमोस्ट Snapdragon 8 Plus Gen 2 तक की स्पीड और ग्राफिक्स क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे Snapdragon 7 Plus Gen 3 अलग है और Snapdragon 7 Gen 3 अलग है। जो 7 Gen 3 है वो हमें OnePlus Nord CE 4 में देखने को मिल रहा है, और जो 7 Plus Gen 3 है वो हमें OnePlus Nord 4 में देखने को मिल रहा है। कैमरास की अगर हम बात करें तो स्मार्टफोन का प्राइमरी सेंसर 50 MP का Sony IMX 882 सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो ऑलमोस्ट OIS स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा स्मार्टफोन के अंदर में 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा, बाकी 16 MP का फ्रंट हाउसिंग सेल्फी कैमरा का सपोर्ट दिया जाएगा। ये कैमरा क्वालिटी वाइज OnePlus Nord CE 4 से काफी इनहेंस ही देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की बात करें तो स्मार्टफोन के अंदर एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। चाइना में ये फोन कलर OS के ऊपर रन करेगा, लेकिन इंडिया में ये फोन ऑक्सीजन OS के ऊपर रन करते हुए देखने को मिलेगा। बाकी इस फोन के अंदर हमें सभी सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इंक्लूडिंग फेस अनलॉक का फीचर। सैडली इस फोन के अंदर हमें 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और जो मैंने आपको पहले भी कहा था इस फोन के अंदर हमें अलर्ट स्लाइडर का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्मार्टफोन कि अगर हम बैटरी लाइफ की बात करें तो यहाँ पे भी खासा इंप्रूवमेंट किया गया है। इस फोन के अंदर हमें 5500 mAh की बड़ी सी बैटरी का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो सपोर्ट करता है टाइप सी वाले केबल को। इस फोन के अंदर हमें 100W का सुपर बॉक्स चार्जर का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, और जो चार्जर है वो आपको इंक्लूडिंग इन बॉक्स ही देखने को मिलेगा। तो गाइस ये था ओवरऑल स्मार्टफोन का कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस, या फिर आप कह सकते हो फीचर्स, जो हमें OnePlus Nord 4 यानी कि OnePlus Ace 3B में देखने को मिलता है। सो नाउ दिस इज अ टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बोथ स्मार्टफोन प्राइसिंग एंड इवन आई विल ऑल्सो गिव यू माई पर्सनल ओपिनियन। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें OnePlus Nord CE 4 के प्राइसिंग के बारे में, तो स्मार्टफोन की स्टार्टिंग बेस वेरिएंट की प्राइसिंग जो 8 128 GB रही थी, उसकी प्राइसिंग हमें 25,000 rupees पड़ी है। और अगर वहीं OnePlus Nord 4 की बात करें तो OnePlus Nord 4 की स्टार्टिंग बेस वेरिएंट इंडियन मार्केट में हमें 8 to 56 GB देखने को मिलेगी, जिसकी कीमत हमें अप्रॉक्स 31,000 rupees पड़ सकता है। ऑफर्स बैंक डिस्काउंट लगाया जाए तो मिड एंड अप्रॉक्स आपको 30,000 के बजट में भी ये फोन देखने को मिल सकता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से किसे पिक करना चाहिए, किसे चूज करना चाहिए, तो मेरा ये ओपिनियन रहेगा कि आपको OnePlus Nord 4 के साथ जाना चाहिए। आप अपने प्राइसिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग इन दोनों में से आप किसे चूज करने वाले हो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप्स वॉचिंग।